स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में फाइनली राखी दवे अपने प्लान में सक्सीड कर चुकी हैं और ले जा चुकी हैं केंजल को अपने साथ अपने मैंशन। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राखी दवे जो है वनराज से बदला लेना चाहती है अपनी इंसल्ट का और तोड़ना चाहती है शाह परिवार को, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया काव्या को और उसे वो फोर्स कर रही हैं वनराज से डिवोर्स लेने के लिए, जिसके बाद काव्या फुल ऑन फाइनल है अपने डिसीजन पर कि वो वनराज को डिवोर्स लेकर राखी के ऑफिस में अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करेगी। जी हाँ, जिसके बाद अब दूसरा टारगेट बनाया है राखी ने पारितोष को। जी हाँ, जिसके बाद वो पारितोष को ऑफर करती हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जिसको इनकार कर देते हैं वनराज और कहते हैं कि ये उनके सेल्फ इस्टीम के खिलाफ है। लेकिन जिसके बाद पारितोष को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह देते हैं अपने पापा से कि उनको ज़रूरत है अपने इस घटिया एटीट्यूड को कम करने की, जिसके वजह से वो लोग आज लूज़र है। जी हाँ, जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर काफ़ी कुछ हंगामा हो जाता है पूरे घर में और पारितोष वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब पारितोष ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद किंजल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है ये बात जानकर। जी हाँ, पारितोष जो है कि किसी और लड़की के साथ एक रात बिताते हुए नज़र आए हैं। जी हाँ, काफ़ी कुछ अलग ट्विस्ट आ रहा है अब अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा के, जिसके बाद ये बात जैसे ही किंजल को पता लगने वाली है वो जो है कि इस घर को छोड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाएगी। जी हाँ, अनुपमा इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, कितने एक्साइटेड हैं आप अपकमिंग ट्रैक के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।